प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और हम बात करेंगे आज केरल की। केरल की राजनीति में खास करके काफ़ी बीजेपी की राजनीति में खासा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के शासनकाल में एक बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि उन्हें पुलिस कभी अरेस्ट भी कर सकती है। जी हम बात कर रहे हैं सुरेंद्रम की, जो कि बीजेपी के केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो आखिर केरल की राजनीति में ये उथल पुथल आई कैसे? क्यों बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्यों वो लगातार कंट्रोवर्सी में घिर रहे हैं और इस पूरे मसले में सेंट्रल लीडरशिप क्या कर रहा है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात केरल की। सबसे पहले समझते हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 4% खिसक गया, यानी कि 16% जो वोट शेयर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाई थी उससे खिसक कर 11% के वोट शेयर पर बीजेपी आ गई। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में एकमात्र सीट जीती थी, जो राजगोपाल हैं उनकी सीट, वो सीट भी बीजेपी यहाँ पे हार गई। और उसके बाद से लगातार एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और FIR दर्ज किए जा रहे हैं केरल में, और ख़ास करके जो निशाने पर हैं वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन हैं। के सुरेंद्रन के ऊपर इस समय 2-3 आरोप है। पहला आरोप ये है, जिसमें कि FIR दर्ज हुई है, वो है BSP नेता, और उनका नाम सुरेंद्रम से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने थोड़े दिन पहले यानी कि पिछले हफ्ते ये क्लेम किया था कि के सुरेंद्रम ने चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए या चुनाव में बैठ जाने के लिए और उसके एवज में 10 लाख रुपए का वादा किया था, जिसमें से 2.5 लाख रुपये उन्हें मिल चुके हैं, 2 लाख रुपये उनकी माँ को दिए गए, 50,000 उन्हें कैश में दिए गए और साथ में मोबाइल फ़ोन दिए गए और साथ ही एक वाइन शॉप खोलने का वादा था, और कर्नाटक में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे घर देने का भी वादा था। और इस एलिगेशन को उन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और उसके बाद से जो केरल की पुलिस है जहाँ पे CPM की सरकार है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कहने पर कल उनके खिलाफ के सुरेंद्रम यानी कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है कि उन्होंने ब्राइब देकर एक कैंडिडेट को बिठाया और किस तरह से इलेक्ट्रॉल जो प्रोसेस है, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, उसमें घुसखोरी का आरोप उनके ऊपर लगा है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, और पुलिस अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे करने के लिए के सुरेंद्रम को गिरफ्तार भी कर सकती है, यानी कि उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। और ये बहुत बड़ा ह्यूज एम्बैरेसमेंट होगा बीजेपी के लिए कि उनका स्टेट प्रेसिडेंट अगर गिरफ्तार हो जाता है। दूसरा जो आरोप है, और सुरेंद्रा की जो पुरानी जो हिस्ट्री है कि 2016 का जो चुनाव हुआ था, तो 2016 के चुनाव में वो बाकायदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे और उस चुनाव में उन्हें तकरीबन 500 वोट मिले थे, और उनके उम्मीदवारी की वजह से बीजेपी के जो उस समय के कैंडिडेट थे, जो इस समय के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो महज 100 वोट्स के करीब 87 वोट से या 97 वोट से वो चुनाव हार गए थे। तो इस बार सुरेंद्रम को ये लगा कि अगर इनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाए या इनकी उम्मीदवारी वापस करा दी जाए तो कहीं उनकी जीत आसान हो सकती है। जिस कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे थे, मांझेश्वरम कंस्टिट्यूंसी, वहाँ पर BSP के ये नेता थोड़े दिन पहले यानी कि मार्च के महीने में इनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्हें एक तरह से पकड़ लिया, गाड़ी में बिठाकर इनको BJP ऑफिस ले जाया गया, और उसके बाद से दोनों के बीच में डील हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, बाद में BJP में शामिल हो गए और के सुरेंद्रम वहाँ से चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि BJP स्टेट प्रेसिडेंट उस सीट से भी चुनाव हार गए इस चुनाव में। तो पहला आरोप BSP नेता के द्वारा लगाया गया है, जिसमें कि FIR हुई है। दूसरा जो आरोप है, दूसरा आरोप एक लूट रॉबरी का कांड है, जिसमें कि RSS के एक कार्यकर्ता, जो कि एक उद्योगपति माने जाते हैं, उद्योगपति कहे जाते हैं, जो पुलिस का वर्जन है, पुलिस का वर्जन ये है कि वो RSS के कार्यकर्ता एक पैसा, एक बड़ी अमाउंट लेकर आ रहे थे और उसमें
त्रिशूर के आसपास जो हाईवे है वहाँ पे एक लूट हुई जिसमें कि 3.5 करोड़ रुपए गायब पाए गए और धर्मराजन जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई कि ये पैसे गायब हैं। हालांकि उन्होंने दर्ज कराई कि 25 लाख रुपए गायब हैं, लेकिन पुलिस ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस अब तक 1 करोड़ रुपये बरामद कर चुकी है और बाकी पुलिस का कहना है कि बाकी जो पैसे हैं वो उसका अभी ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में वो पैसे भी बरामद किए जाएंगे। धर्मराजन जब कर्नाटक से केरल की तरफ आए थे और जब लूट रॉबरी कांड ये हुआ तो उनके जो फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं जो पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के बेटे का भी कॉल रिकॉर्ड है और पुलिस अब उनके बेटे से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है, जो कभी भी ये पूछताछ हो सकती है और हो सकता है उस केस में उनका बेटा भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इस केस में पहले से ही 21 जो लोग हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो दूसरा जो मामला ये है कि किस तरह से एक इलीगल मनी, जो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, वैसे चुनाव में धन का उपयोग और जिस तरह से अकाउंटेड मनी है, जो इलेक्शन कमीशन को आपको डेटा देना होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने पैसे इलेक्शन में खर्च किए, उस रिकॉर्ड के अलावा जो ब्लैक मनी था वो चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें जो आरएसएस के कार्यकर्ता धर्मराजन ने कंप्लेन की है उस कंप्लेन के आधार पर केरल की पुलिस एसआईटी गठित की गई और वो एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें से 7-8 लोग के कॉल डिटेल्स उसमें पाए गए हैं जिसपे धर्मराजन ने वो पैसा डिलीवरी करने के बाद त्रिशूर और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के ऑफिशियल थे उनको डिलीवर करने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया, उस कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तीसरा मामला इसके बाद एक और जो सुर्खियों में आया वो वहाँ की जो एक ट्राइबल पार्टी है उसके नेता जो जानू साहब जो ट्राइबल लीडर हैं उनकी जो ट्रेजरर है उसका एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के साथ उनकी कन्वर्सेशन है और जिसमें कि ये दावा किया गया कि 10 करोड़ रुपए जान ने मांगे थे वो एनडीए में आने के लिए और बीजेपी कैंडिडेट यानी कि एनडीए कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए, और हालांकि बाद में ये मामला सेटल हो गया, वो 10 करोड़ रुपये से 10 लाख पे आ गया। और इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद ये तीसरा आरोप जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर फंड मिसमैनेजमेंट और जो फंड सेंट्रल यूनिट के द्वारा दिया गया था या फिर चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था उसको वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये तीसरा मामला है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, ये तीन सारे मामले के सुरेंद्रम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, केरल की राजनीति में जो भूचाल आया है इस समय, वो क्या इस मामले में जो बड़े सवाल हैं कि पहला बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नेतृत्व की इस पूरे मसले पर केरल एपिसोड के कारण काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो इस तरह से कि जो पार्टी एक तरह से अभी तक बीजेपी का कोई स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी का कोई लीडर इस तरह के चुनावी फंड के घपला में या फिर ब्लैक मनी के इस्तेमाल में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगे रहे थे, पहली बार केरल बीजेपी प्रेसिडेंट के ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर खंडन किया है और बीजेपी का कहना है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो सीपीएम की सरकार बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है और बदला लेना चाहती है। लेकिन ढेर सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इस समय न केवल बीजेपी को देना होगा बल्कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उसमें ये सामने आएगा। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि केरल की राजनीति या कहें कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये नौबत आखिर आई क्यों और क्यों ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। केरल की जो बीजेपी है वहाँ पे काफ़ी फैक्शनलिज्म है, काफ़ी गुटबाजी है और वहाँ पे ढेर सारे गुट हैं जिसमें मुरलीधरन और के सुरेंद्रम का गुट है, जिनके ऊपर बीएल संतोष जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनका हाथ है और वो चूँकि केरल का विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर देख रहे थे तो इसलिए आरोप की जो आँच है वो कहीं हाईकमान तक भी पहुँच रही है। बीजेपी हाईकमान ने इस मामले को थामने के लिए 2 कमेटी का गठन किया है जो दोनों कमेटियां इन्वेस्टिगेट करेगी और मामले की जांच करेगी कि क्या फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या जो कैंडिडेट थे उन तक वो पैसा नहीं पहुंचा, क्योंकि कई सारे बीजेपी लीडर का ये भी कहना है कि जो सेंट्रल यूनिट ने पैसा भेजा था वो ग्रासरूट तक नहीं पहुँचा और जितना पैसा एलोकेट किया जाना था वो पैसे कम होकर पहुँचे। कई सारे जो लीडर हैं उनका ये भी कहना है कि सुरेंद्रन ने अपने अधिकार का, जो उन्हें सिंगल हैंड दिया गया था इलेक्शन को लीड करने का, उसका बेजा इस्तेमाल किया और वो हेलीकॉप्टर जो उन्हें पार्टी सेंट्रल यूनिट ने दी थी उसको लेकर वो लगातार घूमते रहे। तो ये सारे आरोप
केरल की जो बीजेपी यूनिट है उसमें दूसरे खेमे के जो नेता हैं वो सुरेंद्रम और जो मुरलीधरन का खेमा है जो कि यूनियन मिनिस्टर है उनके ऊपर भी लगा रहा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस क्राइसिस से निकलेगी कैसे। जो क्राइसिस है वो काफ़ी गहराता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप और एलिगेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उनके घर तक पहुंच चुकी है और कभी भी वो अरेस्ट हो सकते हैं, उसमें बीजेपी के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि इन आरोपों की जांच होने तक वो के सुरेंद्रन जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनकी जगह किसी नए बीजेपी प्रेसिडेंट को वहाँ पे अपॉइंट करें। लेकिन वो इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर ऐसा बीजेपी करेगी तो कहीं ना कहीं जो सीपीएम सरकार या जो सीपीएम के पुलिस है सरकार केरल पुलिस है उनके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए बीजेपी को इस समय बहुत ही कॉशस होकर एक अप्रोच यूनाइटेड अप्रोच लेना है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी जो हाईकमान है जो लीडरशिप है उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट साबित हो रही है। शंकर रमेश।